नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं Newslivemp.com। एक बहुत बड़ा सवाल जो फिर से खड़ा हुआ है, ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों का क्या होगा? क्या होगा अगर आज सरकार गिर गई, कमलनाथ सरकार आज गिर जाती है, फ्लोर टेस्ट पास नहीं कर पाती है, तो कितना मौका मिलेगा कमलनाथ के समर्थकों को जो इस वक्त बेंगलुरु में है, जिसमें से 6 विधायकों के पास उस वक्त मंत्री पद भी था, मंत्री का ओहदा था उनके पास, उनकी विधायकी अब खत्म हो चुकी है और भी जो 16 सदस्य हैं उनके इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं, यानी वो अब विधायक नहीं रहे। उन्हें हर हाल में अगर विधानसभा में आना है तो उपचुनावों में जीत हासिल करनी ही पड़ेगी। ऐसी सूरत में सिंधिया और सिंधिया समर्थकों का क्या हो सकता है? पहली सूरत, अगर मध्यावधि चुनाव होते हैं तो क्या होगा? राज्यसभा चुनाव फिलहाल के लिए टल सकते हैं और उसके बाद जिस इरादे से सिंधिया जी ने कांग्रेस ज्वाइन की है उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, क्योंकि जब विधायक ही नहीं होंगे तो राज्यसभा के लिए वोट कौन करेगा? तो उसके बाद तो सबका भविष्य एक साथ खतरे में होगा। हालांकि विधायकों को हो सकता है चुनाव के टिकट मिल जाए और वो दोबारा चुनाव में खड़े होकर चुनाव जीत सके। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि मध्यावधि चुनाव ना हो, अभी कमलनाथ सरकार गिरे और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान दावा पेश करें और बीजेपी की सरकार बन जाए, फिर उन 22 सीटों पर उपचुनाव होंगे जो अभी फ़िलहाल खाली है। अब इसकी कितनी संभावनाएं हैं कि जितने भी विधायकों ने कांग्रेस छोड़ी है, सिंधिया जी को समर्थन दिया है, क्या उन 22 सीटों पर बीजेपी की तरफ से उन 22 विधायकों को ही टिकट दिया जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। अब ये डिपेंड करेगा इस बात पर कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जिस वक्त बीजेपी ज्वाइन की उस वक्त उन्होंने जो भी शर्तें सामने रखी होंगी उसके तय आधार पर ही इन विधायकों को टिकट मिलेंगे, यानी इन नेताओं को टिकट मिलेंगे और इसके बाद जो जो उपचुनाव जीत गए उसकी विधानसभा में वापसी होगी और तयशुदा करारनामे के अनुसार उनको सरकार में जगह मिल जाएगी। तीसरी सूरत ये हो सकती है कि जो बहुत ही करीबी हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा आस्था निष्ठा सिंधिया जी में दिखाई है, उन मंत्रियों को मंत्री पद दे दिया जाए, उन नेताओं को मंत्री पद पहले ही दे दिया जाए। लेकिन उसमें फिर एक शर्त होगी, शर्त ये कि उन्हें 6 महीने के अंदर चुनाव जीत कर विधानसभा में वापसी करनी होगी। यानी राह बहुत आसान नहीं है सिंधिया समर्थकों के लिए। अभी तक उनके पास एक ओहदा था, कुछ विधायक थे, विधानसभा के सदस्य थे, विधानसभा जा रहे थे, लेकिन अब सूरत अगर मध्यावधि चुनाव की बनती है तो उन्हें कितने टिकट मिलते हैं बीजेपी की तरफ से या कांग्रेस में वापसी हो पाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। दूसरा, अगर उपचुनाव होते हैं तो इन्हीं 22 लोगों को बीजेपी की तरफ से टिकट मिलते हैं और इन 22 में से कितने जीत कर आ पाते हैं, वही यही चुनाव इनके राजनीतिक भविष्य को तय करेंगे। नमस्कार।